कैसा प्लाट लगा जिमदार भाई? कितनी है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये सब जितने देखे हैं उनसे सबसे बढ़िया है। मेरे को तो अक्टूबर की ही बजाय अच्छी लगी। उत्कल से तो भाई साहब का ज्यादा बेहतर है, पर क्षेत्र वाली से तो बहुत बढ़िया बेहतर है। जो उड़द का कमाल है, ये प्योर है, इसमें मिक्सिंग नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें मिक्सिंग नहीं है बिल्कुल भी। साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज कैसे काजला जी ने इंट्रोडक्शन तो कराया नहीं और पहले ही क्लिप लगा दी किसान भाई के ये कहते हुए कि अब तक के जितने भी प्लॉट देखे हैं ये प्लॉट उन सब में नंबर वन है। भाई वाकई आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा मैं इसे जूम भी कर रहा हूँ। भाई मैंने भी बंसी बीज, मुझे भी 5 साल हो गए लगाते लगाते, और 5 साल से ज़्यादा समय हो गया घूमते घूमते। भाई जितना शानदार बंसी इस खेत में खड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता ना, मैंने तो देखा नहीं कि इतनी शानदार प्रोडक्शन इस खेत से आने वाली है। किसान भाई तो कह रहे हैं कि इसमें 15-16 कुंटल आएगी, लेकिन भाई मैं नहीं मानता 15-16 पे रुक जाएगा, कम से कम 18 जाएगी। और ये 18 कुंटल प्राप्त करने के लिए, इतना अच्छा खेत करने के लिए इन्होंने इस खेत में क्या करा, उस बात को भाई बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो में। और डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी भी जो इन्हें सलाह दे रहे हैं वो सलाह बहुत शानदार है, उसे भी ध्यान से सुनना। तो चलो देखो फिर इस पूरी वीडियो को और अपना फीडबैक जरूर देना भाई। खर्चा आ गया था जी 20 जाड़ियाँ लगी थी जी, 4,000 रुपये खर्चा आया था जी। ठेका दिया था जी? नहीं जी, जाड़ी पे ऐसे। ये आपने लगाया 20 अक्टूबर को? 19 और 20 अक्टूबर को, दो दिन में लगा था जी। इसमें 10 किलो बीज लगाया हुआ जी, 10 किलो किले में, 1 किले किले में 10 किलो 10 किलो बीज। ये दूरी आपके सामने लगभग 3-4 इंच पे है बीज से बीज की दूरी, और बेड से बेड की दूरी, बेड से बेड की दूरी ये लगभग 3.5 फुट 3.5 फुट। इसमें बीच में चना भी है, 3 कनाल तक चना भी है बीच। अच्छा, हर लाइन में या 2 लाइन के बीच? 2 लाइनों के बीच में, उसमें पानी नहीं जाएगा? उसमें पानी बंद करने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक पानी दे पाए थे उसके बाद बरसात हो रही है। ये बंसी है जी, बंसी है जी। कितना निकल जाएगा ये? देखो आपकी बार तो अच्छी खड़ी है, मेरे ख्याल से 15 क्विंटल 16 क्विंटल तो होनी चाहिए। अच्छा, बुआई से पहले इसमें क्या डाला जी आपने? इसमें कुछ नहीं डाला, गंजीवा अमृत को, गंजीवा अमृत थोड़ा सा पड़ा था वो डाला। कितना डाला वो? लगभग 1 क्विंटल होगा, 1 क्विंटल पूरे किले में। इससे पहले क्या फसल थी? इससे पहले इसमें जीरी थी। कौन सी थी इसमें जीरी थी? ये 11 होती है 26 पी आर एक्स। क्या क्या उत्पादन आया? उत्पादन उसका रहेगा 18 क्विंटल। इसमें हाथ से कितनी पूरा किला जी? सतपाल जी, हाँ जी, हाथ से कितनी कितनी दूरी पे लगवाया? ये 4 इंच की लगभग दूरी है जी। इसको जब हाथ से लगवा रहे हो तो आप श्री पद्धति क्यों नहीं ट्राई करते? जब हाथ से लगना है ना, पौध नहीं बीज ही, पर आप 8-8 इंच पे बीज लगाइए, 8x8 पे जब आप हाथ से ही लगवा रहे हो तो वो थोड़ी में अगली बारी ट्रायल लेके देखिए। अच्छा, मतलब दूरी बढ़ा के देखिए, दूरी बढ़ा के देखिए। और जब हाथ से ही लगना है तो फिर कितना भी सेट हो सकता है वो तो। हाँ, कितना है? वो तो जितना उनको कह देते हैं उतना ही, 3.5 फुट। हाँ ढाई सर, वो जो लाइन टू लाइन वो है वो फिर उसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे ये। नंबर ऑफ प्लांट तो, नंबर ऑफ प्लांट पूरे हो जा रहे हैं इनके इस विधि से? अच्छा देखियो, अच्छा वो दूरी कितनी है दिखाइए जी दाना? 3.5 फुट है जी, बताओ 3.5 फुट। भाई वाह, बहुत बढ़िया। इस पे कितनी लगी? इस पे एक बेड पे कितनी लगी गेहूं जी? नहीं, पूरे एकड़ में 10 किलो लगी है। नहीं, कितनी मतलब लाइन कितनी लगाई? 3 लाइन है एक बेड पे, 3 लाइन, 3 लाइन है। यहाँ पे कर सकते हैं सर, यहाँ 2 लाइन ले सकते हैं। चना लगा है तो 2 लाइनें हैं, चना भी लगा, चना लगा इसमें 3 कनाल। सूखे में लगा के पानी लाया होगा अंदर? हाँ, सूखे में लगा के पानी लगाया। हल बहुत है अंदर, उसके रोकथाम के लिए हल आया था इसमें, इस पे गुड़ की और उत्तर की स्प्रे कर दी है। अब वो मरा हुआ लगा, चिपका हुआ है, मरा हुआ है। मुत्तर और गुड़ दी कितनी? मुत्तर और गुड़ 8 लीटर मुत्तर और 2.5 किलो गुड़ घोल। अच्छा, के कुछ पानी मिला के उसमें। अच्छा, और उसका 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से 8 टंकी का स्प्रे करे है। ये बरसातों से पहले करा। ऐसा प्लाट लगा जिमदार भाई?
खेती है बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। ये सब जितने देखे हैं उनसे सबसे बढ़िया है। मेरे को तो अक्टूबर की ही बजाय अच्छी लगी। उत्कल से तो भाई साहब का ज्यादा बेहतर है, कुरुक्षेत्र वाली से तो बहुत बढ़िया भी इनका बेहतर है। जो उड़द का कमाल है, ये प्योर है, इसमें मिक्सिंग नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें मिक्सिंग नहीं है बिल्कुल। हाँ तो भाई जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।